हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। ये लेक्चर नंबर 6 है इंडो इस्लामिक का। इसके पहले का लेक्चर अगर आपने नहीं देखा हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, मिल जाएगा। कल ही एग्जाम है, लेक्चर बहुत छोटे छोटे हैं, 20 मिनट के लेक्चर हैं। चाहें तो आप आसानी से सारा लेक्चर एक ही बैठे ख़त्म कर सकते हैं। हाँ, अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया है जो भी चीज़ें थी, है ना। ऑल टू ऑल लगभग हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब थोड़ी बहुत चीज़ें बची हुई हैं जो हम लोग देख लेते हैं, और ये लास्ट लेक्चर है इंडो इस्लामिक कल्चर का, ठीक है। बाकी जीके वाला पार्ट आप SST वगैरह पढ़ रहे होंगे या पढ़े होंगे, तो वहाँ से आई होप तैयार किए होंगे, ठीक है। तो देखिए, फेथ इन गॉड का मतलब क्या होता है। यहाँ पर दिया, द मीनिंग ऑफ गॉड इज एक्सेप्टेड बाई द स्कॉलर क्रिएटर एंड प्रोवाइडर ऑफ द यूनिवर्स। तो जो इस मतलब गॉड का मतलब क्या होता है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो क्या मतलब होता है क्रिएटर? किस चीज़ का क्रिएटर? हमारे यूनिवर्स का क्रिएटर, जिसने हमारे यूनिवर्स को क्या किया हो, क्रिएट किया हो। प्रोवाइडर ऑफ द यूनिवर्स, जो यूनिवर्स को सारी चीज़ें क्या कर रहा हो, प्रोवाइड कर रहा हो, दे रहा हो, ठीक है। देनदाता कह सकते हैं हम, ठीक है। तो गॉड इज़ द सुप्रीम एंड एस्टोनाइजिंग, कैन हेल्प एंड गाइड टू एवरीवन, ठीक है। तो गॉड सुप्रीम है, सबको पता है, इसलिए तो गॉड है, हैं। और वो एकदम एस्टोनाइजिंग तरीके से किसी का भी हेल्प कर सकता है, किसी को गाइड कर सकता है, टू मतलब किसी भी इंसान को। एवरीवन मस्ट हैव फेथ इन गॉड एंड बिलीव दैट गॉड लव्स एवरीवन एंड इज ऑलवेज वॉचिंग ओवर वन एंड ऑल इन द यूनिवर्स। तो हर इंसान को एक विश्वास रखना चाहिए गॉड में, है ना, बिलीव रखना चाहिए और ये मानना चाहिए कि जो गॉड हैं वो सबसे प्यार करते हैं, ठीक है, और हमेशा आपको देख रहे हैं, ठीक है, जो भी इस यूनिवर्स में है। अच्छा, मैं बोला था ना कि चार इमाम, है ना, चार खलीफा, अब चार एंजल पढ़ेंगे, ठीक है, और चार किताबें पढ़ेंगे, चार किताबें पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए उसमें से सबसे पहले देख लेते हैं चार एंजल, ठीक है। फर्स्ट एंजल दिया है, है ना, जिब्राइल। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम का काम क्या है, ब्रिंग मैसेज फ्रॉम अल्लाह टू प्रॉफिट। तो इनका काम ये है कि अल्लाह के पास से मैसेज पहुँचाते हैं, कि कहाँ तक, पैगम्बरों तक, ठीक है। उसके बाद दिया है मिकाइल। तो देखिए, मिकाइल अलैहिस्सलाम का काम क्या है, मेक प्रोविजन फॉर क्रिएचर ऑन अर्थ, ठीक है। तो इनका काम क्या है, प्रोविजन बनाना, ठीक है, जो भी क्रिएचर अर्थ पे रह रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब मैं समझाना चाहूँ, मेक प्रोविजन का मतलब आपको समझाना चाहूँ तो ये जो रेन हो रहा है, आपको जो फूड मिल रहा है, जो भी चीज़ें हैं, तो मतलब ये लोगों तक पहुँचाने का काम करते हैं मिकाइल अलैहिस्सलाम। अच्छा, इसराफील अलैहिस्सलाम। तो देखिए, वुड ब्लो द ट्रम्पेट ऑन डूम्स डे, ठीक है। तो ये कयामत के दिन जो सुर फूका जाएगा, है ना, वही ये सुर फूकेंगे इसराफील अलैहिस्सलाम, ठीक है। अब दिया है इसराइल अलैहिस्सलाम। तो रिमूव द सोल फ्रॉम द बॉडी एट डेथ। तो किसी भी इंसान की जब मौत होती है तो उसके शरीर से जो आत्मा निकलती है, सोल निकलता है, जो रूह कब्ज होता है, वो इसराइल अलैहिस्सलाम का काम है, ठीक है। तो ये चार पैगंबर हैं, पैगंबर बोल रहा हूँ, एंजल हैं, और चारों का काम इधर दिया हुआ है, और ये आपको याद रखना है क्योंकि पूछता है, ठीक है। आगे दिया है फेथ इन डिवाइन बुक्स रिवील्ड ऑन प्रॉफिट्स, ठीक है। अब देखिए, एक चीज़ मैं इसमें बताना चाहूँ कि, है ना, 1.25, है ना, लाख के आसपास, है ना, ये लिख रहा हूँ, 1.25 लाख के आसपास अंबिया आए हैं, और हर अंबिया अलग अलग समय में अलग अलग क्षेत्र के लिए आए हैं। तो उनके साथ किताबें भी आई हैं, तरह तरह की किताबें आई हैं। सारी किताबों का ज्ञान हम लोगों को नहीं है, जिन जिन किताबों का जिक्र मिलता है उनका नाम दिया हुआ है। तो चार आसमानी किताबों का मुख्यतः जिक्र मिलता है, तौरेत, जबूर, इंजील और कुरान, ठीक है। और किन पे नाजिल हुई थी ये चारों किताबें, तो देखिए, तौरेत जो नाजिल हुई थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई थी, जबूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे, और कुरान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, ठीक है। तो ये चार किताबें, और किन पे नाजिल हुई थी, चारों का नाम याद होना चाहिए आपको। अच्छा, अब देखिए, इस्लाम में जो अकीदे हैं ना, जो फाइव पिलर्स हैं, है ना, जो पांच सिद्धांत हैं, वो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। कलमा, है ना, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज, ठीक है। ऐसे पूछा है कई बार कि दूसरा, है ना, पिलर ऑफ इस्लाम क्या, सेकेंड पिलर ऑफ इस्लाम इज व्हाट, नमाज है। तीसरा रमदान, रोज़ा रखना है, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा मतलब मैं समझा दूँ क्या क्या मतलब है, कलमा का, तौहीद का, है ना, शहादा का, या फिर फेथ का, है ना, सबसे बढ़िया शब्द है फेथ का। तो फेथ का मतलब ये है कि जो क्रिएटर है ना, उसमें, उसके वननेस में बिलीव रखना
और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बिलीव रखना, ठीक है, इसको बोलते हैं तौहीद और फेथ या फिर फेथ, ठीक है। नमाज का मतलब क्या है? प्रेयर, पांच टाइम पे सबको पता है प्रेयर फिक्स्ड है ना, सबको पता है। मॉर्निंग में, ठीक है, आफ्टरनून में, ठीक है, इवनिंग में, ठीक, और सोते समय जैसे, अच्छा पांचों टाइम आपको पता होगा कि ये सारा नाम दिया हुआ है ना, आई थिंक आप ये नाम देख रहे होंगे, ठीक है। अच्छा रमज़ान, अच्छा ये नमाज जो है 7 साल से ज़्यादा का अगर कोई भी लड़का हो जा रहा है तो उस पर फ़र्द है, कोई बच्चा, और 12 साल से ज़्यादा का अगर हो जा रहा है तो उस पर रोज़ा फ़र्ज है। रमज़ान के बारे में ये सबको पता है, इस्लामिक कैलेंडर में जो रमज़ान जो महीना है ना, तो रमज़ान या फिर रमज़ान का जो महीना है उस महीने में पूरे एक महीने तक सब लोग फास्टिंग करते हैं, उसी को मतलब रोज़ा या रमज़ान बोलते हैं, ठीक है। और ये भी इस्लाम के 5 पिलरों में से तीसरा पिलर है। ज़कात, चैरिटी, देखिए मान लीजिए आपने 100 रुपया आपका आय है ना, और उस 100 रुपये में से आपको 2.5% डोनेट करना होता है, ठीक है, दान देना होता है, ज़कात देना होता है, चैरिटी देना होता है, ठीक है, बाकी आप रख सकते हैं। तो कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, अगर आप 2.5% कोई भी दे सकता है यार, अगर जो उसके पास संपत्ति है उसका 2.5% तो कोई भी डोनेट कर सकता है, चैरिटी कर सकता है। अच्छा हज, हज भी देखिए इसके लिए भी कंडीशन है कि आदमी हज करने जाता है ना, तो उसके लिए संपत्ति होना, मान लीजिए जिसके पास संपत्ति है वही जा पाएगा, सब लोग जा नहीं पाएंगे, ठीक है, तो एक ये नहीं है कि जाना ही जाना है ना, संपत्ति है तो तब आवश्यक है आपके लिए, ठीक है, तब हज आपके आप पे फ़र्ज है। अच्छा ये इस्लामिक महीने महीनों के नाम दिया हुआ है, देख लीजिए, ठीक है, 12 महीने है ना इस्लामिक, जैसे अब हम लोग जनवरी फरवरी पढ़ते हैं ना, तो ये क्रिश्चियन कैलेंडर या फिर ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ठीक है। अब यहाँ पर 12 जो इस्लामिक महीने हैं उनका नाम दिया हुआ है, मुहर्रम, सफ़र, रबी अव्वल, रबी उस्सानी, जमादी अव्वल, जमादी उस्सानी, रजब, शाबान, रमज़ान, सवाल, जिलकात, जिलहिज, ठीक है, सारे का नाम याद हो जाता है बहुत अच्छी बात है, वरना पहले और अंतिम का नाम तो आप याद रखिएगा ही, ठीक है, ये काम देगा आपको, है ना। अच्छा कोई भी जैसे मान लीजिए पंचांग बनता है, कैलेंडर बनता है, तो ग्रहों और नक्षत्रों के बेसिस पे बनता है, और देखिए कि इस समय जितने भी प्रचलित कैलेंडर हैं उनमें 12 ही महीने हैं, चाहे संबत हो, शक संबत हो, विक्रम संबत हो, कोई भी संबत हो, कोई भी आप कैलेंडर उठा लीजिए, ठीक है। अच्छा ये अच्छा जिलहज के महीने में ही सबको पता है हज होता है, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा एक और बात मैं यहाँ पर बता देना चाहूँ, है ना, थोड़ा सा कि ये जो मुहर्रम है इस्लाम का पहला, ये इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना है, और ये यहीं से न्यू ईयर शुरू होता है, लेकिन ये हैप्पी नहीं होता है, ठीक है। जो इस्लामिक कैलेंडर, जो इस्लामिक ईयर शुरू होता है वो हैप्पी नहीं होता, न्यू ईयर तो होता है पर हैप्पी नहीं होता है, ठीक है। मॉर्निंग का डे होता है उस टाइम पे, मॉर्निंग, ये मॉर्निंग नहीं, ये नहीं, ठीक है, ये मॉर्न करने का, ठीक है। अच्छा अब देखिए इस्लाम से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी वो लगभग हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग को पढ़ना क्या है, जो अरब से, अरब की हिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे साइंस में और लिटरेचर में उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, वो तो सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। आई होप है ना एक एक बार मैं पढ़ के इसको निकल चलता हूँ, है ना, आप समझ जाएंगे, बहुत मायने रखा, बाकी आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेके है ना इस चीज़ को तैयार कर लीजिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ, विद द एडवेंट ऑफ अब्बासिद इन फाव, हाँ, द इस्लामिक एम्पायर ओपन ए न्यू एरा इन द डोमेन ऑफ साइंस लिटरेचर इन मेडि, अच्छा तो जब ये अब्बासिद खलीफाओं का जब समय आया, जब ये पावर में आए, ठीक है, तो ये एक न्यू एरा की शुरुआत करते हैं, है ना, किस डोमेन में, साइंस में और लिटरेचर में, इन, और यहाँ पे देखिए फुल स्टॉप दिया हुआ है, यहाँ पर कॉमा होना चाहिए, ठीक है, नहीं नहीं ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा इन मेडिसिन, फिलोसफी, अल्केमी, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, लॉ एंड थियोलॉजी, द कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम वेयर नो डाउट ग्रेट एंड इम्प्रेसिव, ठीक है। तो जो भी जो भी सब्जेक्ट है, चाहे एस्ट्रोनॉमी हो, है ना, अल्केमी हो, फिलोसफी हो, मैथमेटिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मेडिसिन हो, इन सब में है ना जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं उनका मतलब जो भी कंट्रीब्यूशन है ना बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा है। जो पढ़ने वाले लोग हैं, स्कॉलर लोग हैं, उनको पता होगा कि क्या इंपॉर्टेंस है उनका। द अर्ली अब्बासिद खलीफा इस्टेब्लिश हॉस्पिटल, ठीक है, कॉल्ड बीमारिस्तान, ठीक है, बीमारिस्तान, ठीक है, बीमारी से ये शब्द बना है, बीमारिस्तान, ठीक है, आप इसको
तो ये जो अर्ली अब्बासिद खलीफा थे, इन्होंने हॉस्पिटलों की को इस्टेब्लिश किया, जिसको मतलब बीमारिस्तान कहते थे। द फर्स्ट हॉस्पिटल वॉज ओपन्ड बाई हारून अल रशीद। तो पहला हॉस्पिटल कि इन्होंने खोला था, हारून अल रशीद ने खोला था इन बगदाद, है ना, इराक की राजधानी है बगदाद। इन कोर्स ऑफ टाइम 34 हॉस्पिटल वर इस्टेब्लिश्ड इन वेरियस पार्ट ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड। ठीक है, समय के साथ 34, है ना, 34 हॉस्पिटल खुले, इस्टेब्लिश हुए उस टाइम पे, है ना, जो भी मुस्लिम इलाके थे, मुस्लिम क्षेत्र थे, मुस्लिम एम्पायर था उस टाइम पे। अदर ब्रांचेज ऑफ मेडिसिन सच एज सर्जरी, फार्मेसी, है ना, ऑप्थेलमोलॉजी वर एट्सेट्रा वर ग्रेटली डेवलप्ड ड्यूरिंग अब्बासिद पीरियड। तो ये जितने भी ब्रांचेज हैं मेडिसिन के, है ना, जैसे सर्जरी, फार्मेसी, ये भी मतलब बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ अब्बासिद पीरियड में। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, अल मामून ओपेंड ए ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, इन्होंने क्या, अल मामून क्या थे, इन्होंने ट्रांसलेशन एक डिपार्टमेंट मतलब ओपन किया फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेन साइंस एंड कल्चर। ठीक है, तो अब मान लीजिए कोई भी किसी फॉरेन का कोई भी नॉलेज है तो वो उसके लैंग्वेज में होगा, तो मान लीजिए ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट आएगा तो उसको ट्रांसलेट करेगा आपके नेटिव लैंग्वेज में, जिससे आप उसको चीज़ को समझ के, है ना, उस चीज़ को कंजर्व प्रिजर्व कर पाएंगे। ठीक है, एंड इन्फेक्शियस डिजीज ट्यूबरकुलोसिस एंड मिजल्स एंड स्मॉल पॉक्स वर डिस्कवर्ड बाई अल राजी। ये नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। ठीक है, पूछ सकता है आपसे। अच्छा, अहमद अल नसामी वॉज द फर्स्ट अरब हु एक्सप्लेन्ड अबाउट द डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन एंड कैलकुलेशन ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब रूट। तो अहमद अल नसामी पहले अरब थे जिन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, बेसिकली मैथ में बड़ा ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया। नाम जो भी चीज़ें हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है। अल बिरूनी डिस्कस्ड अबाउट द थ्योरी ऑफ अर्थस रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इन अरब फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अल बिरूनी पहले एक जोग्राफर थे जिन्होंने किस चीज़ के बारे में बताया था, अर्थ के रोटेशन के बारे में। ठीक है, और वो अरब में वो भी पहली बार। वाइल अर्लियर दिस थ्योरी वाज डिस्कस्ड बाई इंडियन साइंटिस्ट ड्यूरिंग गुप्त पीरियड। ठीक है, और इसके इस चीज़ को बहुत पहले ही, है ना, गुप्त पीरियड में ये चीज़ डिस्कवर्ड हो चुकी थी बेसिकली। ठीक है, अच्छा, थ्योरी ऑन नेचर ऑफ टीबी वाज गिवन बाई इब्न सीना। तो नेचर ऑफ टीबी, जो भी उसकी मान लीजिए लक्षण वगैरह हैं, इनके बारे में इसकी थ्योरी किन्होंने दिया था, इब्न सीना ने, है ना, शेख अल राइस। ठीक है, एंड ही आल्सो रोट ए बुक ऑन साइंस नोन एज किताबुल शिफा। ये किताबुल शिफा किताब जो है, बार बार पूछता है किताबुल शिफा किसकी रचना है। ठीक है, तो इब्न सीना की रचना, याद रखिएगा। इब्न सीनाज, है ना, कानून वाज मेडिकल बाइबल फॉर सेवरल सेंचुरीज, है ना, काफ़ी शताब्दियों तक इब्न सीना की जो किताब है कानून, ये मेडिकल साइंस में बाइबल की तरह काम करता था। इब्न सीना वाज दे फिलोसोफर भी थे, ये इब्न सीना फिजिशियन भी थे, है ना, फिलोलॉजिस्ट भी थे और पोएट भी थे। इन द कंटेक्स्ट ऑफ अरब साइंस, है ना, जाबिर बिन हयान इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ठीक है, अगर अरबों के साइंस के कंटेक्स्ट के बारे में बात की जाए तो जाबिर बिन हयान को, है ना, मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर बोला जाता है। ठीक है, इस्तखारी वॉज द फर्स्ट अरब हु प्रिपेयर्ड कलर्ड मैप। सबसे पहले कलर्ड मैप किसने तैयार किया था, इस्तखारी। ठीक है, और अल इदरीसी, उन्होंने भी मैप पे काम किया था, शायद पहला मैप उन्होंने ही बनाया था। अच्छा, अलजेब्रा वॉज डिस्कवर्ड बाई अरब मूसा अल ख्वारिज्मी। अब देखिए, मूसा अल ख्वारिज्मी के बारे में मैं बताता हूँ, ये जो एल्गोरिदम है ना, एल्गोरिदम, तो ये एल्गोरिदम बेसिकली इन्होंने ही डिस्कवर किया था और ये इनके ही नाम से ये वर्ड बना है। कैसे बना है मैं बताता हूँ। जैसे मूसा अल-ख्वारिज्मी को अलजेब्रा का फादर कहा जाता है, ये दिया हुआ है एनसीईआरटी में भी, दिया हुआ है मैथ की एनसीईआरटी 9th-10th की उठाएंगे तो आपको दिख जाएगा, आई थिंक 9th में दिया हुआ है या फिर 10th में दिया हुआ, 10th के 9th के एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, ये इनकी जब जो भी मतलब बुक्स थे, जो भी मतलब नॉलेज था, जो पेपर के फॉर्म में मान लीजिए स्टोर्ड था, जब ये यूरोप तक पहुंचता है तो वहाँ पर अल ख्वारिज्मी को बेसिकली अल्गोरिदमी मतलब बोलते थे लोग। तो वहाँ से जो ये एल्गोरिदम डेवलप हुआ, उन्हीं के नाम से अल्गोरिदमी से एल्गोरिदम बना। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। किंदी वॉज नोन इन अरब हिस्ट्री एज फिलोसोफर ऑफ द अरब। किंदी को अरब का फिलोसोफर कहा जाता है, वन वर्ड में बोला तो। मोस्ट नोटेबल अरब मेडिकल ऑथर्स वर अली अल तबारी अल राजी, अली इब्न अल अब्बास, अल माजूसी, इब्न सीना। ठीक है,
मोस्ट फेमस अरब जोग्राफर कौन कौन थे, यहाँ पर सारा नाम दिया हुआ है ना, एक एक नाम पढ़ लीजिए, ठीक है, याद करना हो तो कर लीजिए, उसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीज़ें थी मैंने बता दिया है, ठीक है। मोस्ट फेमस अरब हिस्टोरियन कौन कौन थे ड्यूरिंग अब्बासिद पीरियड, है ना, तो बलादुरी, है ना, हमदान, मसूदी, तबारी, इब्न अल आथिर। अल मसूदी वाज बोथ हिस्टोरियन और जोग्राफर, तो अल मसूदी जो थे, है ना, इनका नाम याद रखिएगा, काफ़ी फेमस नाम है, ये जोग्राफर भी थे और क्या थे, हिस्टोरियन भी थे। एंड वाज सर्टेनली वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल ऑफ 14th सेंचुरी राइटर, ट्रेवल्ड थ्रू आउट द मुस्लिम कंट्री एंड रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन इन हिज बुक नोन एज मुरूज अल दबवा मदान अल जवाहर, ठीक है। इनकी एक किताब है, उनमें इन्होंने क्या क्या लिखा है, ये 14th सेंचुरी के सबसे मतलब मोस्ट वर्सटाइल राइटर बोले जाते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे मुस्लिम कंट्री को ट्रेवल किए और एक किताब लिखे जिसका नाम ये है खांची भर का, है ना, जिसे लग रहा 5-7 किताब है ना, एक ही किताब का इतना बड़ा नाम है, ठीक है। मोस्ट फेमस फिलोसोफर इन इस्लाम वर अल गजाली, जाहिर सी बात है, अल किंदी, अल फराबी, है ना, अरब कॉल्ड हिम एज सेकेंड एरिस्टोटल, तो अल फराबी को सेकेंड एरिस्टोटल बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे हिसाब से लग रहा है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। एंड इब्न सीना एट्सेट्रा, वाइल अल किंदी वाज मोर देन ए फिलोसोफर, ठीक है, अल किंदी को फिलोसोफर से भी बढ़कर माना जाता है, ही वाज ए, अच्छा, यहाँ पर और भी चीज़ें, अलकिंदी ही वाज मोर देन ए फिलोसोफर, क्या कहते हैं, ही वाज एस्ट्रोलॉजर भी थे, अल्केमिस्ट भी थे, ऑप्टिशियन भी थे और म्यूजिक थियोरिस्ट भी थे। तो फिलोसोफर के अलावा ये क्या कहते हैं, एस्ट्रोलॉजर भी थे, ठीक है, अल्केमिस्ट भी थे, ऑप्टिशियन भी थे और म्यूजिक थियोरिस्ट भी थे। द एमिनेंट स्कॉलर इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर इन अरब वर्ल्ड, तो लिटरेचर के फील्ड में जो स्कॉलर थे उनका नाम यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, आप याद कर सकते हैं, वैसे इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो जो चीज़ें मैंने बताया है इंपॉर्टेंट वो आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप, है ना, सब चीज़ें समझ में आई होंगी और इंडो इस्लामिक कल्चर यहीं पे एंड करता है, बाकी चीज़ें हैं जीके की, है ना, और मेडिवल हिस्ट्री इंडिया की, तो वो सारी चीज़ें आप तैयार कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, कल एग्ज़ाम है, अच्छे से परफॉर्म कीजिए, ठीक है। बाकी चीज़ें अगर पसंद आती हूँ वीडियो तो शेयर कर दिया कीजिए, वीडियो लाइक भी कर दीजिए, कमेंट वगैरह कर सकते हैं कीजिए, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, चलिए, हैव अ नाइस डे।